जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कटास से हम चलते चलते पहुँचे हैं जी चोआ सैदन शाह। यहाँ हमने खाना खाया है, बड़ा ज़बरदस्त खाना था। होटल का नाम है जी क्लिफ व्यू। क्या नाम है जी? क्लिफ व्यू, सॉरी नाम भूल गया, क्लिफ व्यू। टेस्टी था खाना, हैदर भाई ने स्पेशल चुपके से ऑर्डर दिया हमें बताए बगैर, लेकिन यह है कि जब खाना आया तो यकीन करें खा के जी ही नहीं भर रहा था। बहुत टेस्टी खाना था जी, इसमें आपका खलूस, आपकी मोहब्बत सब कुछ शामिल है। चकवाल में ये बड़ी खास बात है जी कि खलूस ही खलूस है। तो अभी हैदर भाई किधर लेके जाएंगे इसके बाद? अभी जनाब चकवाल में घूमने के लिए इतनी जगह है, समझ नहीं आती कि मैं अब कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे हम खत्म करें। चले देखते हैं, निकलते हैं बाहर तो इंशाल्लाह। चलें जी अभी देखते हैं, जो जगह हमें पसंद आ गई हम इनको वहीं पे रोक लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको कोशिश करेंगे कि ये जो बेल्ट है जी, ये कलर कहार की चकवाल, कलर कहार और ये सारा एरिया है चोआ सैदन शाह, इंशाल्लाह ये सब कुछ आपको टाइम टू टाइम ऐसे दिखाते रहा करेंगे इंशाल्लाह। इस होटल की जो अच्छी चीज़ हमें लगी, खाना तो इनका वाकई अच्छा था, लेकिन इनका जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। यहाँ बैठ के पूरे इस चोआ सैदन शाह को देख सकते हैं, और खूबसूरत जो सरसब्ज और शादाब पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, आप इसका भी नज़ारा कर सकते हैं। हवा ठंडी ठंडी आपको यहाँ बहुत मज़ा देगी जब भी आप इधर आएंगे। तो चलते हैं नाज़रीन, अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन अकराम, अभी हम लोग पहुँचे हैं जी ढोकटालियाँ डैम। चोआ सैदन शाह से हम जब आए तो रास्ते में साइन बोर्ड दिखाई दिया, तो हम इस तरफ आ गए। मेन रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला होगा, वो मुश्किल, या 2 किलोमीटर का, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी आपको दिखाते हैं जी यहाँ के दिलकश मनाज़िर। थोड़ी देर क़याम करने के बाद हम लोग चलते हैं जी वापस मीन आगे, अपनी कोई और मंजिल ढूंढते हैं जी। पता तो कुछ भी नहीं है कि हैदर भाई मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं और आबिद भाई दोनों जो हैं आज इनके साथ हैं। देखते हैं, हम इतने महम हैं कि हमें जरा ठोकरेंगे हम दोनों को लगे। इतनी खूबसूरत जगह हैदर भाई ने बताई है यहाँ, जबरदस्त, वाकई हमारे जहन में भी नहीं, मैं गुमान भी नहीं था कि ऐसी खूबसूरत जगह होगी। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन कराम, इस जगह पे खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन यहाँ जा बजा लोगों ने जो है गंदगी, कूड़ा करकट जो भी खाते पीते हैं, रैपर इधर पड़े हुए हैं, बस ये चीज़ अच्छी नहीं लगती जी जहाँ भी हम जाते हैं। अब ये काम अब टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को तो नहीं है कि वो इसको सफाई करें, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ भी जाएँ एटलीस्ट जो अपना कचरा है वो यहाँ ना फेंकें, वो साथ लेके जाएं। और इस जगह पे जो है जगह जगह लिखा हुआ है जी कि मछली का शिकार जो है वो ममनू है, इसका मतलब ये है कि यहाँ मछली भी अवेलेबल है। चलते हैं आगे, कुछ और देखते हैं। आपको परिंदों की आवाज़ें हैं बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आ रहा है हमें। तीतर, तीतर की आवाज, काला तीतर, काला तीतर। नाज़रीन मेरे साथ है, आपको पता है कि हैदर साहब हैं सेवियर्स के, इनका काम ही यही है कि जहाँ पे गंदगी देखते हैं उसको इकट्ठा करके किसी जगह महफूज करते हैं। तो अभी हमने जो गंदगी देखी उसको साफ़ करते हैं।
हमें सफाई करते देख के परिंदे भी खुश हो रहे हैं, परिंदे भी गुनगुनाना शुरू हो गए। बिल्कुल जी, सफाई निस्फ ईमान है, सफाई करनी चाहिए, हमें वेलकम कर रहे हैं और कोशिश करनी चाहिए कि कचरा फेंके ही मत, हमें वेलकम कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखें। देखिए जी आप, माशाल्लाह ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है, सफाई हो गई है। बिल्कुल जी, सफाई निस्फ ईमान है बेशक जी। और जितने व्यूअर हैं हमारे देखने वाले, वो उनको चाहिए कि जहाँ भी जाएँ घूमने फिरने के लिए अपने साथ एक्स्ट्रा शॉपर ले जाएँ, खाएँ पिएँ उसी में कचरा वगैरह डाल के वो साइड पे जो है ना डस्टबिन में डाल, वही ना जो मुनासिब जगह है वहाँ पे फेंक दे। नाज़रीन अभी हमने साफ कर दिया जी, बड़ा साफ सुथरा, ये देखें जबरदस्त, ये देखिएगा ये नीचे जमीन पे देखें जी, ये नीचे नीचे देखें, ये साफ सुथरा, हमने इसको अपनी तरफ से जितना साफ कर सकते थे साफ कर दिया है। तो आबिद साहब ने भी अपना रोल प्ले किया जी, इन्होंने भी, मैंने भी और मेरे साथ जो दानिश है उन्होंने भी और मेरा बेटा उमर, सब ने अपना हिस्सा जो है डाला है, सफाई कर दी है। अब हम चलते हैं नाज़रीन चकवाल की जानिब, देर हो रही है, 6:15 बज चुके हैं, क्यों जी चलें? जी बिल्कुल ऐसे ही चलें। बाकी वतन में बागो बहारे, बागो बहारे। चलिए जी, ओ सलारा आओ जी, आबशारा माते बिगाड़े, माते बिगाड़े। जी नाज़रीन इकराम, अभी हम पहुँचे हैं जी चकवाल शहर, और ये कह लें कि हमारे ब्लॉग की जो है वो क्लोजिंग है इस जगह, और यहाँ हैदर भाई मुझे लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं, क्यों जी? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे, एक तो ये फेमस जगह है चकवाल का, ये दिल है, और मैं स्पेशली बताता चलूँ कि ये जो पीछे आप वाल देख रहे हैं, ये ट्रक आर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी वाल है, और इसमें जो काविश है सबसे ज़्यादा हम खराज तहसीन पेश करते हैं, हमारे जो मौजूदा डीसी साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम साहब, ये सारी उनकी काविश है, और हम उनको सलाम पेश करते हैं कि चकवाल की खूबसूरती में एक नया इजाफा हुआ है, और ये पूरी सकाफत उजागर हो रही है, यहाँ की जो चीज़ें हैं उसको उजागर किया गया है, और ये सलमान अली जो हैं फूलपति के कराची से आए थे स्पेशल, डीसी साहब ने उनको दावत दी और ये सारा काम उन्होंने किया है। तो मैं अरशद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने चकवाल के टूरिज़्म को, चकवाल के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और हम अपने सेवियर्स की तरफ से, सेवियर्स की तमाम टीम की तरफ से इनको खराज दिल से जनाब वेलकम भी करते हैं अपने चकवाल में, और बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इकराम, अभी हम अपना ब्लॉग यहीं पर क्लोज़ करेंगे, तो मेरे साथ आबिद साहब भी हैं, आबिद साहब इधर आए ना जी, आप दूर क्यों खड़े हैं? तो आबिद साहब का चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है जी, क्योंकि इनको जो है ना वो मैंने ही ज़बरदस्ती यूट्यूबर बनाया है, ठीक है? तो आपने इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, दुआ करें इस कोविड से हमारी जान छूटे, क्योंकि जब कोविड होते हैं तो मैं इनको इनके घर में बंद कर देता हूँ कि भाई आप बैठ जाएं घर में, निकलना नहीं है कहीं बाहर। तो नाज़रीन इकराम, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।